हाउस प्लांट्स की लिस्ट में मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा काफ़ी फेमस प्लांट है। ये इंडोर भी अच्छा चलते हैं, आउटडोर्स में जब लगाना है ऐसी जगह पे लगाएं जहां धूप के साथ साथ इनको छाया भी मिले। नमी वाली मिट्टी में रहना पसंद करते हैं आप, इनमें रेगुलर बगीचे की मिट्टी का इस्तेमाल करें और 30-40% भाग गाय की गोबर और सूखे पत्तों का इस्तेमाल करें। अगर आपके पौधे में नए पत्ते नहीं आ रहे हैं फिर आप लोग इसके पुराने पत्तों को काट दें। मॉनसून के टाइम में हफ्ते में ही इसमें नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसमें एरियल रूट्स निकलती हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करती हैं और पौधा फेनिस्ट्रेशन स्टेज पे पहुंचता है जिसमें इस तरीके से छोटे छोटे से होल्स रहते हैं जो हर पत्तियों में उनका नंबर और साइज वेरी करता है। पौधे की अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए इनकी पत्तियों को भी रेगुलर नॉर्मल पानी से साफ करते रहें। इन पौधों को सपोर्ट की भी ज़रूरत रहती है, किसी पोल से या मॉस्टिक से आप लोग इन्हें सपोर्ट भी दें। गमले में नमी बनाए रखने के लिए आप लोग लीका बॉल्स के साथ लीची के कुछ सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। इंडोर में इन्हें ऐसे कॉर्नर पर रखें जहां इन्हें खुला आसमान दिखे और धूप भी अच्छी मिले, फिर ये बढ़िया परफॉर्म करते हैं।